दोस्तों नमस्कार, एक बार और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हृदय की गहराई से और से हरिप्रसाद यूट्यूब चैनल की ओर से। दोस्तों आपका दोस्त से हरिप्रसाद भट्ट हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। आप देख ही रहे होंगे मेरे हाथ में एक बॉक्स है और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कुछ एक नई चीज़ की, तो आप वीडियो के साथ बने रहे। इस वीडियो में हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे कार्विंग नाइफ, जो कार्विंग में यूज होने वाली नाइफ है। वो नाइफ मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, तो आप भी मेरे साथ देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉक्स जो कि हमने मंगाया है khanfruitcarving.com से, और ये हमें ब्लू डार्ट ने कुरियर दिया है, उपलब्ध कराया है। ये आया मुंबई से। तो बहुत ही एक्सपेंसिव नाइफ है दोस्तों, बहुत ही एक्सपेंसिव चाकू है। ये देखने में आपको छोटी सी लगेगी लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसके प्राइस क्या है, कितने है, तो कितने में मेरे पास पहुंची, मैं इसके बारे में लास्ट वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को अंतिम तक आप देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपको भी इसका प्राइस का पता चले। तो इस बॉक्स को थोड़ा चीरफाड़ कर लेते हैं यहाँ पे एक चाकू की मदद से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि हम आपके लिए नई नई रेसिपीज और कार्विंग गार्निश से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। मुझे आशा है कि आप सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे। तो ये देख सकते हैं बॉक्स के अंदर से एक और छोटा बॉक्स है जो कि बबल रैप से रैप किया हुआ है, और इसके अंदर बिल, ये है इसका बिल। आप देख सकते हैं यहाँ स्टैंप लगा हुआ, फुली जीएसटेड बिल। तो ये खान फ्रूट कार्विंग का बिल है, और बिल में देख सकते हैं इसकी प्राइस क्या है। आप वीडियो के अंत में इसका प्राइस क्या रहा, कितने में मुझे मिला, इसको तो मैं आपको बताऊंगा ही। और इस बिल को रख देते हैं साइड में, और बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। एक देख सकते हैं ये बॉक्स खाली है, तो एक छोटा सा प्लास्टिक पड़ा हुआ है, क्योंकि ये मैंने पहले बॉक्स ओपन करके देखा था वहीं पे रिसीव करते टाइम, तो तब ये छोटा सा उसका बिल का प्लास्टिक का कवर था। अब देखिए ये इसको ओपन कर लेते हैं बबल रैप के साथ साथ है, ये अटैच है। तो बहुत ही छोटा सा सुंदर बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं बबल रैप के साथ, और इसमें बहुत सारे चाकू भी प्रिंट कर रखा है इन्होंने। ये देख सकते हैं बहुत सारे कार्विंग नाइफ्स है खान फ्रूट की। तो यहाँ एड्रेस वगैरह सारा कुछ है इसमें, और यहाँ कुछ फ्रूट की कार्विंग उन्होंने कर रखी है जो वाटर मेलन पे बना रखी है, शायद इन चाकुओं से बनाया होगा। खान फ्रूट कार्विंग का स्कूल भी है जो कि ऑनलाइन भी वो फ्रूट कार्विंग सिखाते हैं, और ऑफलाइन भी उनका स्कूल मुंबई पे है। तो ये देख सकते हैं हम चाकू को ओपन कर रहे हैं, और ये बॉक्स के अंदर बहुत ही प्यारा पैकिंग और छोटा सा नाइफ। तो ये कवर्ड है, ये डबल ब्लेड है दोस्तों, तो दोनों तरफ इसके ब्लेड है। मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं अल्मोनियम से बना हुआ ये बाहर का कवर, और सिल्वर मेटल से बना हुआ ये बहुत ही खूबसूरत कार्विंग नाइफ। और इसको करते हैं ओपन, तो ये डबल ब्लेड सिस्टम वाला है, दोनों तरफ इसके ब्लेड है, ब्लेड स्टेनलेस स्टील के है। तो देखिए इस तरह से ओपन होता है, बहुत ही आराम से ओपन कर सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं जो असली चीज़ है, तो स्टेनलेस स्टील के बहुत ही स्मूथ ब्लेड, शार्प ब्लेड, ये बहुत ही शार्प है और बहुत पतला ब्लेड है, लेकिन ये बहुत हार्ड ब्लेड है। तो इसकी दूसरी तरफ का ब्लेड भी हम देखते हैं,
ताकि ये कैसा है, एक तो थोड़ा स्ट्रेट ब्लेड है तो दूसरी तरफ का थोड़ा सा ये राउंडेड ब्लेड होगा, दूसरी तरफ हल्का सा टिल्ट ब्लेड है। ये देख सकते हैं आप, जिस ब्लेड से चाहे कार्विंग कर सकते हैं आप। ये भी बहुत ही शार्प और सुपर ब्लेड है। तो दोस्तों ये नाइफ आपको कैसी लगी, इसको इस तरह से दोनों तरफ फिट कर सकते हैं, एक तरफ ओपन करके एक तरफ फिट करना है और दूसरी तरफ खोल के दूसरी तरफ पे फिट हो जाता है। तो दोस्तों ये नाइफ आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप भी कार्विंग नाइफ ये वाली लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको बुक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कार्विंग नाइफ आपको कैसे लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो कैसा लगा अनबॉक्सिंग का हमारा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें सपोर्ट करें ताकि सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करके। दोस्तों ये मनी के हिसाब से बहुत ही वैल्यूएबल है चीज़, लेकिन एक बात है, इसकी जो बाहर की पैकिंग बॉक्स है मनी के हिसाब से ये या प्लास्टिक बॉक्स होना चाहिए या कुछ मेटल का बॉक्स होना चाहिए बाहर भी, जो हमारा ये पैकिंग बॉक्स है। तो अब आ गई है बारी इसकी प्राइस की, तो ये प्राइस इसके लिए मुझे पे करने पड़े 1560 रुपीज़, जो 60 रुपीज़ थे वो डिलीवरी चार्ज और 1500 इसका चार्ज था विथ GST। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार और जय हिंद।